नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे फिर से नए आपसे यूट्यूब चैनल भूपेंद्रा मोटिवेशन में। आज आपका दोस्त मोटिवेशन स्पीकर एंड बिजनेस कोच जबरदस्त टॉपिक्स पे फिर से मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। आज मैं फिर आपको नए अमेरिकन बिजनेस बताने जा रहा हूँ जो अमेरिका के लोग बिजनेस करते हैं। तो अभी अपने देश में ये बिजनेस अवेलेबल नहीं है, है लेकिन उतना परसेंट अगर देखा जाए सिर्फ 5% बिजनेस अपने कंट्री में अवेलेबल है, यानी भारत में। भारत में सिर्फ 5% अवेलेबल है और अमेरिका में देखा जाए तो लोग वहां के 99% बिजनेस करते हैं। ठीक है, 99% बिजनेस करते हैं और जो जॉब करते हैं वो जॉब इस तरीके की जॉब करते हैं जहां से उनकी अच्छी खासी जो है फैमिली चल सकती है और उससे पैसे अर्न करके एक कंपनी भी खोल सकते हैं। लेकिन इंडिया में प्रॉब्लम्स क्या होती है, इंडिया में प्रॉब्लम्स ये हो जाती है कि हर आदमी कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के पहले आस पड़ोस को देखता है और आस पड़ोस का उसका कल्चर जो होता है, जिसे गांव के लोग जो होते हैं अड़ोस पड़ोस का कल्चर उनका ऐसा होता है जहाँ लोग दिखावटी की लाइफ जीते हैं। घर में भले ही खाना ना हो बट उनके पास सूट बूट और टाई वगैरह सब कुछ होगा और पड़ोसी अगर देखता है तो वो क्या सोचता है कि यार ये ऐसे घूमता है और मैं अगर ये काम स्टार्ट करूँगा तो मुझे इससे क्या होगा, मेरी बदनामी होगी, लोग मुझ पर हंसेंगे। मतलब कोई भी काम स्टार्ट करने के पहले वो लोगों से राय लेता है। मतलब जैसे मान लीजिए आपको कोई जूते का शोरूम खोलना है और आप मान लीजिए ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते हैं, अब आपको जूते का शोरूम खोलना है। अब आप जाते हैं किसी से कहते हैं यार मुझे जूते का शोरूम खोलना है, आपको क्या कहेगा वो, यार ब्राह्मण होकर के जूते का शोरूम खोलोगे, उस पर निम्न क्लास के लोग आएंगे, जूता पहनेंगे डालेंगे फिर तुम साफ करके उसे वहां लगाओगे, यार तुम जूते का शोरूम खोलोगे, इस तरीके से लोग आपसे कहते हैं। अब मान लीजिए अगर कोई जिसे अब और जो है जनरल कास्ट में लीजिए जिसे ठाकुर है, ठीक है, और वो क्या करता है, वो कहता है कि मुझे मत्स्य पालन या मुर्गी पालन को पालन या फिर बकरी पालन करना है, या ब्राह्मण को ले लीजिए, जैसे मैं ही ब्राह्मण हूँ। अब लोग जैसे कि कहेंगे मुझे बकरी पालन करना है या मत्स्य पालन करना है तो लोग क्या कहते हैं, अरे यार ब्राह्मण होकर के तुम ऐसा काम करोगे, इतना नीच काम करोगे, पाप लोगे। भाई बिजनेस बिजनेस होता है और बिजनेस में कोई पाप और पुण्य नहीं होता है, ठीक है, जिस चीज़ का बिजनेस करोगे उस चीज़ में प्रॉफिट होगा, बिजनेस में कोई पाप पुण्य नहीं होता है और ना ही बिजनेस में कोई छोटा बड़ा होता है। आज की डेट में आपको आप ये सोचिए कौन सा बिजनेस दुनिया में नहीं हो रहा है, हर बिजनेस हो रहा है, लेकिन जो पड़ोसी से नहीं पूछता है खुद से स्टार्ट कर देता है और किसी का देखा देखी नहीं चलता है, खुद से स्टार्ट कर देता है जो उसके समझ में आता है, वही दुनिया में आज की डेट में सक्सेसफुल है। एक पान की दुकान खोल करके बैठने वाला आदमी आज की डेट में खुश है, बट एक आदमी 10,000 की जॉब करता है और वो महीने में 10,000 पाता है वो खुश नहीं है, और सिर्फ 10,000 में ही पान की दुकान खुल जाती है। तो आज मैं आपको अमेरिका के कई सारे बिजनेसेस बताने जा रहा हूँ, शायद ये बिजनेस आप देखें तो आपके दिमाग की कुछ बत्ती खुले और आप जो है बिजनेस के बारे में सोचना चालू कर दें। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत करो, बेल आइकन दबाओ ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। हमारे बिजनेस आइडिया प्लेलिस्ट पर विजिट करो, वहाँ पर बहुत सारे वीडियोज मैंने बना रखे हैं, जीरो इन्वेस्टमेंट से लेकर के लो इन्वेस्टमेंट पे नो कंपटीशन तक के बिजनेस मैंने दे रखे हैं। अगर आप चाहें तो विजिट करके वहां से एक एक वीडियो देख करके आप जो है बिजनेस कर सकते हैं। एक और मैं एक कंफर्म चीज बता देता हूं, बिजनेस आइडिया जब आप जिस चीज के जैसे ही माहौल में रहते हैं उसी तरीके का आपका माइंडसेट बनता चला जाता है। आपके आस पड़ोस में अगर नकारे लोग रह रहे हैं, बेईमान लोग रह रहे हैं, मक्कार लोग रह रहे हैं तो आपका भी माइंडसेट वैसा हो जाएगा। तो आप वहां से निकल करके आप अच्छे लोगों के बीच में रहिए, उनके साथ समय ना दे करके आप मोबाइल पे समय दीजिए, मोबाइल पे अच्छे जो है आइडियाज लोग अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, उस तरीके के एक्सपीरियंस लीजिए, लोगों के चक्कर में मत पड़िए। अब मैं सीधे पॉइंट पे आता हूँ, वीडियो को हर उस जरूरतमंद के पास भेजिएगा जिसकी से आवश्यकता है, शेयर जरूर करिएगा, लाइक करिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। साइड में बिजनेस आप देख रहे हैं, साइड में जो आप देख रहे हैं जो डिब्बा देख रहे हैं इसमें क्या होता है, इस डिब्बे के अंदर आप यकीन नहीं मानोगे ये अमेरिका का बिजनेस है, इसमें आपको मिलेगा लहसुन प्याज गाजर अदरक चुकंदर मूली और जो है आम, ये सारे इसमें भरे हुए हैं अलग अलग टेस्ट के, यानी अलग अलग फ्लेवर अलग अलग टेस्ट के इसमें है और उसके क्या होगा ये अचार बना हुआ है। अब आप सोचेंगे ये कैसा अचार है ये, और इसके साथ साथ क्या है, इसके साथ साथ एक ऐसा अचार है जिसमें 9 तरीके के जो है मिक्स करके, जैसे 9 तरीके से नौरंग अपने यहाँ बोलते हैं वहाँ भी सेम ऐसे तरीके का है। अब इसमें 9 तरीके का लोग मिक्स करके इसे सिर्फ एक दुकान, और ये घर पे बनाते हैं कहीं मार्केट से खरीद के नहीं लाते हैं।
ये घर पे बना करके इसे सेल करते हैं, और जब ये घर पे बना करके सेल करते हैं अच्छी खासी प्रॉफिट होता है। आपको पता होगा ये लोग क्या करते हैं, जब टाइम जब किसान के घर में होता है तब ये लोग खरीदते हैं। जैसे अदरक किसान के घर में हुई 20 रुपए किलो खरीद ली, किसान के घर में मूली हुई 2 रुपए की जो है इतनी बड़ी मिल जाती है, किसान के घर में जो है चुकंदर या गाजर हुआ सीजन पे इन्होंने क्या किया इसे 10 रुपए किलो खरीद लिया। अब इन्होंने क्या किया उसे बना दिया, 6 महीने में उसे बनने जब सिरके में डाला इनमें क्या किया जब इसे जो है एक मसाला बनाकर इसमें डाला 6 महीने में इनको बनने में लग जाता है। अच्छा, और 6 महीने बाद जब इसे सेल करते हैं तो अच्छा खासा प्रॉफिट लेते हैं इसलिए, ठीक है। अब दूसरा जो आप साइड में देख रहे होंगे ये बिजनेस क्या है, काफ़ी सारे लोगों के बीच जो घर बनवाते हैं और आज की डेट में मॉडर्न जमाना हो गया है तो वो जो क्या करते हैं उनके खिड़कियों पे जो है पर्दों की आवश्यकता होती है, दरवाजे पे पर्दे की आवश्यकता होती है, तकिए की लिहाफ की आवश्यकता होती है, रजाई की खोल की आवश्यकता होती है, गद्दे की खोल की आवश्यकता होती है, आपको तो कोई बिजनेस नहीं मिलता। कोई सा पतला से पतला अगर सस्ता से सस्ता आप कपड़ा लेने जाएंगे 20 रुपये से 25 रुपये मीटर में आपको मिल जाता है। 20 रुपये से 25 रुपये मीटर में आप ले आइए, उसे क्या करिए घर पे मशीन रखिए या फिर जाकर के सिलवा लीजिए, 20 से 25 रुपये मीटर में खरीदिए और 10 से 15 रुपये में सिलवा लीजिए, या फिर खुद अपने घर पे रखिए मशीन और उससे जो है सिल करके फिर उसे क्या करिए आप उसे सेल करना स्टार्ट कर दीजिए। जब आप खुद उसे सेल करना स्टार्ट करेंगे अच्छा खासा वहाँ पर प्रॉफिट हो जाएगा। बहुत सारे बिजनेस हैं आप करना चाहें, दुनिया ही जो है भारत अपना विकासशील देश है विकास कर रहा है, मैं हर वीडियो में यही बताता हूँ, बहुत सारे बिजनेस हैं बस आप करना चाहें प्रॉफिट आपके हाथों में होगा और आप एक बिजनेसमैन हो जाएंगे। तो आप इस तरीके से बिजनेस कर सकते हैं और बिजनेस करके अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। साइड में आप देख रहे होंगे ये भी देख सकते हैं, अगर आप इसकी कंपनी नहीं खोलना चाहते तो कंपनी मत खोलिए। जो ये साइड में आप देख रहे हैं यहाँ पे तरह तरह के जो ये लोग क्या करते हैं मधुमक्खी पालन करते हैं, और मधुमक्खी पालन करने के बाद ये 5 लीटर 10 लीटर जो है शहद सेल नहीं करते, 5 लीटर 10 लीटर शहद सेल एक साथ नहीं करते ये लोग, इन्हें क्या करते हैं इनको जो है मैन्युफैक्चर करके इन्हें डिब्बे में बंद करके इन्हें सेल करते हैं। तो आप क्या करिए आप भी इसी तरीके से प्रक्रिया अपनाइए, आप किसी से जो है स्टोर में खरीदिए और उसे रख लीजिए, ठीक है साइड में। और ये सारे बिजनेस ये घर पे बनाते हैं, साइड में आप दूसरा देख रहे होंगे ये आइसक्रीम है, ये लोग भी आइसक्रीम घर पे बनाते हैं, ये कहीं से मार्केट से खरीद के नहीं लाते ना तो किसी से संपर्क करके लाते हैं, बट ये घर में बनाते हैं, घर में बना करके सेल करते हैं। तो इतने जो बिजनेसेस जितने भी अमेरिकन बिजनेसेस होते हैं ये सारे बिजनेसेस क्या होते हैं ये लोग घर पे बनाते हैं और जो है मार्केट में सेल करते हैं, मतलब ये किसी से खरीदने नहीं जाएंगे ना तो किसी से जो है ये मांगने जाते हैं। अब नेक्स्ट देख रहे होंगे साइड में ये भी देखिए कि स्क्रीन शॉट जो है ये स्क्रीन शॉट क्या है, ये लोग क्या करते हैं एक कपड़े पे डिजाइनिंग करते हैं। जैसे मान लीजिए मार्केट में कोई कपड़ा आप 100 रुपये का मान लीजिए 35 से 40 रुपये आपको फ्रॉक या 60 से 65 रुपये में आप बिल्कुल लो क्लास के कपड़ा खरीदते हैं तो 40 से 45 रुपये में आपको मिल जाता है, बट अब क्या करते हैं ये लोग उस पर ला करके उस पर डिजाइनिंग करते हैं, डिजाइनिंग करने के बाद ये बेस्ट तरीका डिजाइनिंग का बन जाता है, और जब ये डिजाइनिंग का टॉप मोस्ट तरीका बन जाए डिजाइन करने के बाद ये जबरदस्त अच्छा लगने लगता है, मनचाही प्राइस पे इसे सेल करते हैं। अब नेक्स्ट भी आप देख रहे होंगे ये देखिए इसमें क्या है जो है ये बैग हैं, लेडीज बैग और जेंट्स बैग भी आते हैं, इसमें क्या ये भी लोग सस्ते से सस्ता बैग खरीदते हैं फिर उस पर क्या करता है उस पर डिजाइनिंग करते हैं और डिजाइनिंग करने के बाद सेल करते हैं, अच्छा खासा प्रॉफिट होता है। अगर देखें ना तो बहुत सारे तरीके हैं दुनिया में। साइड में दूसरा देखिए ये क्या है, ये गूगल्स हैं, ये क्या क्या करते हैं ये लोग अलग अलग जो है अलग अलग क्या करते हैं प्रोडक्ट खरीदते हैं, चश्मा अलग खरीदा, चश्मा का फ्रेम अलग से खरीदा, उसकी जो डंडी लगती है अलग से खरीदा, उसका ग्लास अलग से खरीदा, अब उसे क्या करते हैं घर पे ला करके इसे जो है असेंबलिंग करते हैं, असेंबलिंग मतलब सब कुछ एक में जोड़ते हैं, मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते असेंबलिंग करके फिर इसे मार्केट में सेल करते हैं, आराम से देख सकते हैं बढ़िया बिजनेस है, बट आप बिजनेस करना चाहें। तो दोस्तों यहीं तक वीडियो रहा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।